एक बार पुनः से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। यह प्रैक्टिस सेट वर्कअप्स विद इजी ट्रिक पार्ट 15 पर आधारित है, जिसकी ट्रिक हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है ग्रैमी। ग्रैमी आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। ग्रैमी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, डर्टी या गंदा। अब देखिए ट्रिक में हमने आपको बताया था ग्रैमी यानी कि गर्मी, और गर्मी में अक्सर पसीने की वजह से हमारे कपड़े ग्रैमी हो जाते हैं यानी कि डर्टी या गंदे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सटॉल। एक्सटॉल आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। एक्सटॉल सही आंसर होगा प्रेज, प्रशंसा करना। अब देखिए एक्सटॉल यानी कि एक्स्ट्रा टाल, और एक्स्ट्रा टाल जो व्यक्ति होते हैं अक्सर उनकी एक्सटॉल की जाती है यानी कि प्रेज की जाती है, प्रशंसा की जाती है। अगला क्वेश्चन फ्रेल। फ्रेल वीक, यूनियन या फिर वीक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वीक यानी कि कमज़ोर। अब देखिए फ्रेल हमने बताया था आपको ट्रिक में, फ्रेल यानी कि फेल, और फेल अक्सर कौन से स्टूडेंट होते हैं जो फ्रेल होते हैं यानी कि वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रामिफिकेशन। रामिफिकेशन अपना सही आंसर सेलेक्ट करें। रामिफिकेशन सही आंसर होगा ब्रांचिंग, शाखाओं में विभाजित करना। शाखाओं में विभाजित करना यानी कि रामिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जीनियल। जीनियल जॉयफुल, सेल्फिश या फिर डल। जीनियल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉयफुल यानी कि हंसमुख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मर्सिनरी। मर्सिनरी सेल्फिश, लैक या फिर मेमोरी। मर्सिनरी सही आंसर होगा सेल्फिश, स्वार्थी। अब देखिए ट्रिक में हमने आपको बताया था मर्सिनरी यानी कि मर्सी प्लस ना, जिस व्यक्ति में मर्सी नहीं होती वो निश्चित रूप से मर्सिनरी होता है यानी कि सेल्फिश होता है, स्वार्थी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्केसिटी। स्केसिटी कॉर्डियल, शॉर्टेज या फिर डिवेस। स्केसिटी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, शॉर्टेज या फिर कमी। अब देखिए स्केसिटी का हमने ट्रिक बताया था, इससे हमने निकाला था कार प्लस सिटी, और अक्सर हमने हम लोग देखते हैं सिटी में बाइक की तुलना में कार की संख्या में स्केसिटी होती है यानी कि शॉर्टेज होती है, कमी होती है। अगला क्वेश्चन केन। केन नोटिस, पेंसिव या फिर नॉलेज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नॉलेज यानी ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्राइस या फिर अप्राइज, आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इन्फॉर्म सूचित करना। आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है इंसलेंट। इंसलेंट ब्रेजन, रेस्पेक्ट या फिर मर्सी। इंसलेंट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेशर्म। इसकी ट्रिक हमने आपको बताई थी इंसलेंट यानी कि इंसल्ट, और हमेशा इंसल्ट करने वाला व्यक्ति इंसलेंट होता है यानी कि ब्रेजन होता है, बेशर्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।